हेलो दोस्तों दिस इज विशाखा अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ करंट अफेयर सिंपलीफाइड जहां पे हम कोई एक टॉपिक लेते हैं और उसकी सभी डायमेंशन से आपको रूबरू कराते हैं आपने कोर्ट सुना हो या कभी लाइन सुनी होगी राजीव गांधी ने कहा था कि फॉर एवरी हंड्रेड पैसे या वन रुपी वी सेंड टू पीपल ऑफ इंडिया ओनली सेवेंटी पैसेज रीच टू द इंटेंडेड बेनिफिशरीज और इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी स्कीम्स और वगैरह लेकर आती है इट इज़ इन सेम सीरीज़ आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ई रूपी नाउ वॉट इज़ ई रूपी इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं इसके चैलेंजेस क्या और क्या किया जाना चाहिए वो हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे दैट इज़ ई रूपी बिगनिंग विद दिस इज दिस वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय करंट प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है देखा जाए तो एक कैशलेस या कॉन्टेक्ट वे ऑफ डिजिटल पेमेंट है जिसमें वन टाइम पेमेंट की जरूरत पड़ती है ये ऑल्सो इट इज पर्सन एंड इस स्पेसिफिक मतलब जो पर्सन इसको यूज कर रहा है जिसको बोला गया है कि इसके नाम पे या इसके अकाउंट पे इसको भेजा गया है वही इसको यूज कर सकता है और किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए ही यूज हो सकता है जैसे अगर हेल्थ के लिए वाउचर है तो मे बी आप आयुष्मान भारत की कोई स्कीम लेने जा रहे हैं जब आप वहां दिखाएंगे तो वहां पे इसे यूज कर सकते हैं या फिर अगर आपको एल की सब्सिडी चाहिए तो मे बी जो आपकी रिस्पेक्टिव स्कीम है उसके लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं बट इसके सिवा आप डिविएट नहीं कर सकते तो इस तरीके से से लीकेजेस वगैरह की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगे पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले इसे समझ लेते हैं नेक्स्ट इज इट इज़ एक्चुअली क्यू आर बेस्ड और एस एम एस स्ट्रिंग बेस्ड सर्विसेज दैट मीन्स इससे बहुत अच्छा फ़ायदा ये होता है पहले अगर आप सिर्फ समझ लेंगे तो आपको तो आपका फ़ोन आपके पास है उस पर आपको एक मैसेज आएगा मैसेज पर आपके पास पे एक क्यू कोड है उस क्यू आर कोड को आप किसी भी सर्विस पॉइंट पे जाके दिखा सकते हैं और आप अपनी सर्विस के लिए लोगों से डिमांड कर सके कि दिस इज द हेल्थ सर्विस दैट आई वांट राइट तो ये क्यू आर कोड आपके सामान को आपके काम को क्या कर देता है आसान कर देता है सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ दिस इस क्यू आर कोड के होने का एक और फायदा ये है कि ये जो बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइडर है और बेनिफिशरी को डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है एंड इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ़ इंटरफेरेंस एंड इंटरमीडिएट्री जैसे अभी आप यू यूज़ करते हैं उसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है बैंक अकाउंट होना चाहिए और बाकी सारी सुविधाएं भी होनी चाहिए एटलीस्ट इंटरनेट तो होना ही चाहिए या फिर एक ऐप भीम ऐप आप, आप, आप यूज़ करते हैं इन दिस केस इन सब की रिक्वायरमेंट हट चुकी है ना आपको ऐप आप चाहिए ना आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए ना आपको इंटरमीडिएटरी चाहिए ना इंटरफेस चाहिए एंड देट फाइट इज रिवोल्यूशनरी और यही से आपको इसके सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएंगे जो कि अब हम समझने वाले हैं

और वो इसलिए भी हो जाती है बिकॉज इट इज अ प्रीपेड प्रीपेड काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट है तो सर्विस प्रोवाइडर को टाइम पे पेमेंट मिल जाएगी टाइम पे पेमेंट मिल जाएगी देन ही बी मोर इंक्लाइन टू प्रोवाइड यू सर्विसेज क्योंकि चैरिटी नहीं हो रही है पैसे मिल गया तो उसको देनी पड़ेगी सेकेंड इज इट इज विदाउट इंटरमीडिएटरी आपके पास वाउचर आप सर्विस प्रोवाइडर को दो ताकि कोई इंटरमीडिएटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है दिस विल इवेंचुअली रिजल्ट इन टू द लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ द वेलफेयर सर्विसेस जिसमें लीक नहीं होगा बिकॉज पहले क्या है इंटरमीडिएटरीज आते थे वो सारा पैसा खा जाते थे पहले बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती थी या वेरियस और फैसिलिटीज की जरूरत होती थी अब वो सबकी ज़रूरत नहीं है ऑल्सो इसीलिए दिस इज़ मोर इफेक्टिव कार्ड नहीं इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत नहीं और आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं इसके फायदे प्राइवेट सेक्टर को भी होते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर एम्प्लॉयर अपने इंप्लॉयी को कोई बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहता है तो उसको सिर्फ ही वाउचर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है एंड दी इम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी दोनों का जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है साथ में दिस वाचर कैन ऑल्सो भी यूज इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सी एस आर इनिशिएटिव के लिए बिकॉज कोई भी कंपनी अपने इंटेंडिड बेनिफिशरीज को ये वाउचर आसानी से भेज सकती है उसके बाद उसको इतना लंबा चढ़ा प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है सो इट इज़ बेनिफिटिंग दर्पोरेट सेक्टर एज साथ में अगर इसके बेनिफिट देखा जाए तो इट विल ओवरऑल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस बीन इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ द करप्शन इन द कंट्री बट डीबीटी बी दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सो फार वाज कंसिडर एज अ सॉल्यूशन फॉर दिस जिससे कि इंटरमीडिएटीज हट जाएंगे ये जो इनिशियेटिव है ये डी को फर्दर प्रमोट करता है इन अ वे क्योंकि अब देख ही चुके हैं नहीं है और डी ने अब तक काफ़ी फायदे प्रोवाइड किए हैं टू द एक्सटेंट नाइन हंड्रेड मिलियन इंडियंस एंड सेवनटीन पॉइंट फाइव लाख करोड़ ऑफ रुपी डी बी टी के थ्रू ट्रांसफर हुआ था जिससे बहुत सारी स्कीम सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हुई थी फ्राम कुकिंग एस सब्सिडी टू मेडिकल एंड स्कॉलरशिप एंड पेंशन लाइक इनिशियेटिव ये सभी के सभी डी बी टी के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सीमलेस हो चुके थे तो ये जो इनिशियेटिव है ये इन्हें भी काफ़ी हेल्प करेगा बट इट इज़ नॉट दैट ईजी एज इट साउंडस ये है तो बहुत अच्छा इनिशियेटिव

लेकिन ये बाकी एग्जिस्टिंग स्कीम से कितना ज़्यादा इंटीग्रेटेड है ये एग्जिस्टिंग हमारे सिस्टम पे डिपेंड करता है सो इट हैज टू बी मोर प्रॉम्प्ट नेक्स्ट इज द मशीनरी इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए क्यू आर कोड को रीड करने के लिए एक पर्टिकुलर मशीनरी की ज़रूरत है अब हमारे बहुत सारे मर्कंडाइज या फिर गवर्नमेंट ऑफिस तो इसके लिए इक्विप्ड हैं बट काफ़ी रिमोट लोकेशंस में ये अभी भी अवेलेबल नहीं है जो कि आधार के टाइम पे देखा गया था मशीन वोट एबल टू रीड द फिंगर प्रिंट ऑफ पर्सन तो मे बी वाउचर्स की जो रीडेबिलिटी है सो दिसर so इस पे काम करने की जरूरत है बट इन दीज वेस वी गिवेशन इज वेयर तो इससे भी डील करना आसान है और आपको एक एक करके सभी आस्पेक्ट को देखना पड़ेगा द फर्स्ट इज अवरनेस आस्पेक्ट अगर लोगों में अवेयरनेस नहीं है तो आप डिजिटल मीडिया जैसे टूल का इस्तेमाल कीजिए आप सेम मैसेजेस को अवेयरनेस फैलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहला अवेयरनेस पे काम करना बट दैट इज टॉप डाउन फिर आप बॉटम लेवल पे काम करो दैट इज सिविक एंगेजमेंट जिसमें लोकल बॉडीज लोकल लीडर्स इन सबको यूज़ किया जा सकता है सो दैट लोकल लेवल पर थोड़ी अवेयरनेस आ सके साथ में जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि बिहेवियर नाच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट एक्चुअली जब ये आपकी कैशलेस पेमेंट है डिजिटल पेमेंट प्रमोट हुई थी उसमें बहुत बड़ा जो योगदान था वो तो आपका लॉकडाउन ने या इससे पहले demonetization ने किया था मे बी शायद इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं है पर किसी ना किसी तरीके के इनिशिएटिव डाले जा सकते हैं जो कि लोगों को नच करें कि इसे थोड़ा यूज करें एंड दिस इज वे वी नीड टू वर्क ऑन दैट यहाँ से इतने आप फायदे आपको होंगे कि स्कीम भी सक्सेसफुल हो जाएगी और लोग भी इसे आसानी से उपलब्ध करा पाएंगे नाउ दैट इज फॉर ऑल ये था आज का करंट अफेयर सीरीज Now, if you like us, if you like the series, then like, subscribe, and connect to us because we are present on various social media platforms just to help you. Thank you so much.